नमस्कार दोस्तों, मैं संधू आपका स्वागत करता हूँ टेक गुरुजी पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो सेकंड वीडियो मेरी होगी वो सेकंड वर्ल्ड वॉर पर ही होगी, और आज मैं आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर की वो कहानी बताने जा रहा हूँ, वो काला पहलू बताने जा रहा हूँ जो शायद दुनिया के सामने आया भी था और नहीं भी आया था, जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। सबको ये पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में नाजी मतलब कि जर्मन्स ने यहूदियों का कत्लेआम किया था, मास मर्डर किया था, जेनोसाइड किया था। उसी की एक ये कहानी है। 1935 में जब नाजी सत्ता में आते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक, हिटलर के दिमाग में एक यही प्रश्न था कि किसी भी तरीके से हमें इस देश से यहूदियों को, इस धरती से यहूदियों को ख़त्म करना है। शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण जो रहा होगा, शायद कहीं ना कहीं उसमें एक ये भी कारण था। होता क्या है कि 1935 में जब नाजी पार्टी सत्ता में आती है और 1937 मतलब 2 साल बाद ये काम शुरू हो जाता है, और पहला जो डेथ कैंप जो बनाया जाता है वो जर्मन में नाजियों के खिलाफ, ताकि उसमें ले जाके नाजियों को मारा जाएगा। दोस्तों, आगे की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी और भव्य है। अगर प्लीज़ कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें, अभी छोड़ कर चले जाएँ। होता क्या है कि अभी वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ था, लेकिन यहूदियों को मारने का पूरा प्लान नाजी मतलब जर्मन के पूरा का पूरा उन्होंने रोड मैप बना लिया था कि किस हिसाब से इनको मारना है। और मौत इतनी भयंकर थी कि दोस्तों, कि मैं अगर उनकी तस्वीरें भी मैं शायद इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊँ, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस हैं, इस वजह से मैं नहीं दिखा पाऊँगा। होता क्या है दोस्तों कि उन्होंने डेथ कैंप बनाया जिसको होलोकॉस्ट भी कहा गया, होलोकॉस्ट ऑफ यहूदीज मतलब यहूदियों का जो नर्क था, जहाँ पे उनको तड़पा तड़पा के मारना था। होता क्या है दोस्तों कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में ही जर्मन सैनिक जो थे उन्होंने एक स्पेशल फोर्स बना रखी थी, जिसमें मतलब पागल और बहुत ज़्यादा जिनका अंदर कोई सेंस नहीं था, ऐसे लोगों को उसमें भर्ती किया था। उनका सिर्फ एक ही काम था, जहाँ से यहूदियों को पकड़ो और सीधा होलोकॉस्ट तक लेके आओ और उनको मार दो। मारने की प्रक्रिया ये थी कि दोस्तों, उनको ट्रेनों में भर भर के लेके आया जाता था, और ट्रेन के डिब्बे में जहाँ 100 आदमियों के बैठने की या आने की जगह थी, वहाँ कम से कम एक एक डिब्बे में 500-500 आदमियों को रखा जाता था, और वो भी मालगाड़ियों में। ये नहीं कि जिसमें हम बैठ के जाते हैं सवारी गाड़ी, वो नहीं, मालगाड़ी जिसमें मतलब कि माल वगैरह जाता है, आप मालगाड़ी होती है, रेलगाड़ी होती है, मालगाड़ियों में भर के लेके आते थे। और वहाँ लाने के बाद उनके सारे कपड़े उतार दिए जाते थे, कपड़े उतारने के बाद बच्चों को अलग रख दिया जाता था और महिलाओं को अलग रख दिया जाता था, और जो बुढ़े वगैरह होते थे और जो प्रेग्नेंट महिलाएँ होती थी उनको अलग रख दिया जाता था। तो होता क्या था दोस्तों कि उनके दो तरीके थे यहूदियों को मारने के। पहला तरीका ये था कि उनको सीधा ले जाके जो गैस चैम्बर बना रखे थे, जहाँ पर वो गैस के जरिए उनको जला के मार देते थे। सब उसका ये उनको फ़ायदा ये मिलता था कि जब गैस चैम्बर में जब कोई आदमी मर जाता था तो उसके ऐश बचते थे, मतलब राख और हड्डियाँ बचती थी, जिसको वो नदी में ले जाके बहा दिया करते थे। और दूसरा रास्ता था कि उनको लेबर फोर्स में दे दिया जाता था। लेबर फोर्स में वो 24 घंटे काम करते थे और बिना खाना और पानी के काम करते थे, और 24 घंटे आदमी कितना काम कर लेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद वो मर जाता था। तो दोनों ही तरीक़ों से मौत जो थी वो निश्चित थी। अब जो कहानी स्टार्ट होती है वो ये है कि जब ये जेनोसाइड शुरुआती चरण में था, तो होता क्या है कि लगभग उस टाइम पे 60 से 70 हज़ार अभी यहूदियों को मारा गया होगा। तो गैस चैम्बर जो था उसकी निगरानी के लिए 2 गार्ड्स रखे गए थे, उनका एक शिफ्ट इंचार्ज था। तो होता क्या है कि जो शिफ्ट इंचार्ज था उसको सब पता रहता है कि गैस चैम्बर के अंदर कितने बंदे गए हैं और कितनों को मार दिया गया है, कितने ख़त्म हो गए। तो पहले शिफ्ट में उनको मार दिया जाता है, दूसरी शिफ्ट में और भेजे जाते हैं लगभग जितने भी आते होंगे गैस चैम्बर में, जाने के बाद उनको भी जला के मार दिया जाता है। तो लगभग ऐसा करते करते रात के 8 बज जाते हैं, 8 बजने के बाद वो अपनी प्रक्रिया को रोक देते हैं। तो अंदर कोई नहीं बचता है, जितने भी थे सब ख़त्म हो गए थे, जितने भी यहूदी थे। तो 2 जर्मन सैनिक जो गैस चैम्बर के बाहर गार्ड थे, तो लगभग रात के 10 बजे के आसपास 11 बजे के आसपास उनको अंदर से चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं उस गैस चैम्बर के अंदर से।
तो वो जाकर अपने शिफ्ट इंचार्ज को बताते हैं, जो शिफ्ट इंचार्ज रहा होगा उस टाइम पे, उसको बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे अंदर से आवाज़ आ रही है। तो वो ये कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने जो लगभग 4 घंटे पहले हमने जो यहूदियों डाले थे, यहूदियों को अंदर घुसेड़ा था गैस चैम्बर में, वो जल के मर गए होंगे, अब तक कोई ज़िंदा नहीं होगा। शायद हो सकता है कि इतने दिनों से तुम चीख पुकार की आवाज़ें सुन रहे हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग का वहम होगा, कोई दिक्कत नहीं। लगभग उसके 2 घंटे बाद फिर अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती है। वो अपने जाके शिफ्ट इंचार्ज को फिर बताते हैं। शिफ्ट इंचार्ज आता है, वो गैस चैम्बर का दरवाज़ा खोलता है, अंदर हड्डियाँ और राख का ढेर होता है, अंदर कुछ नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। वो फिर बाहर आके शिफ्ट इंचार्ज अपने काम पर चला जाता है और दोनों गार्ड वही निगरानी पर खड़े रहते हैं। लगभग उसके 2 घंटे के बाद, 1.5-2 घंटे या 3 घंटे के बाद फिर से वहाँ से आवाज़ें आती हैं। तो इस बार एक जर्मन सैनिक जो था वो दरवाज़ा खोलता है और वो अंदर जाता है। जब वो अंदर जाता है तो वहाँ से जब बाहर निकलता है तो उसके हाव भाव और थोड़ा चेंज हुए रहते हैं, और मतलब वो अपने आपे में नहीं था। जब वो बाहर निकलता है, बाहर निकलते के साथ ही वो चिल्लाता हुआ आता है कि हम अपना बदला ज़रूर लेंगे, हम अपना बदला ज़रूर लेंगे, और इतना कहते हुए जो अपना साथी होता है उसको गोली मार देता है। और फिर वहाँ इतनी देर में गोली की आवाज़ सुन के शिफ्ट इंचार्ज आता है, जैसे शिफ्ट इंचार्ज आता है वो उसको भी गोली मार देता है और फिर पिस्टल से अपने भी गोली मार लेता है। और ये दृश्य जो होता है कि पास में और भी गैस चैम्बर्स होते हैं, उनके जो गार्ड्स होते हैं वो देख लेते हैं। जब वहाँ जांच पड़ताल होती है, जांच पड़ताल में पता चलता है कि वो शिफ्ट इंचार्ज जो था, जो लास्ट जो ट्रूप था जिसको उन्होंने गैस चैम्बर में भेजा था, उसमें एक प्रेग्नेंट महिला भी थी जिसका उन्होंने रेप किया था। और ऐसा जर्मन मानते हैं कि वो शायद उसकी आत्मा होगी या जो भी रहा होगा, उसने ये सब उसके ऊपर हावी होके, जो गार्ड था जो अंदर गया था लास्ट में, उसके ऊपर हावी होके किया था। ये कहानी वहाँ के वहाँ दब जाती है, लेकिन इस कहानी का खुलासा जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है तब ये कहानी दोबारा से स्टार्ट होती है। जब उन्होंने पूरी तहकीकात की तब उस चीज़ का जो पूरे इस चीज़ का घटना का विवरण उन्होंने उसमें दिया था। और दोस्तों आपको ये चीज़ जान के हैरानी होगी कि ये जो ऑफिशियल डाटा है, लगभग उसमें 60-80 लाख यहूदियों को जला के मारा था, जिसमें प्रेग्नेंट महिलाएं, बच्चे, चाहे वो 6 महीने का हो, चाहे वो 12 महीने का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 12 साल का हो, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा था। और वो क्या करते थे, जो प्रेग्नेंट महिला होती थी, बच्चे होते थे और बूढ़े होते थे, वो किसी काम के थे नहीं, तो उनको जला के मार दिया जाता था। और जो जवान औरतें होती थी, उनको सेक्स लेबर के लिए, जो फ्रंट पे सैनिक लड़ रहे होते थे उनके लिए भेज दिया जाता है, और जो जवान यहूदी बचते थे उनको लेबर फोर्स में दे दिया जाता था। वो 24 घंटे काम करते थे और मर जाते थे। और दोस्तों इसके ऊपर एक कहानी और भी है जो मैं आपको साझा करूँगा इससे अगले पार्ट में, वो है जापानीज़ की, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अलायंस फोर्सेस थी, अलायंस ग्रुप था, वो 2 मोर्चों पर जंग लड़ रहा था, एक जापानीज़ के साथ और एक जर्मन के साथ। जो सेकंड कहानी है वो जापानीज़ की है, और वो तो कहानी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, और वो मैं आपको पूरे हो सकता है कि उसमें कुछ एक शॉट भी दिखाऊं कि जो उनके साथ हुआ था। और शायद जर्मन वाले जो ये था यहूदियों के साथ जो हुआ था, वो तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के साथ आ गया था, लेकिन जो चीनी, कोरियंस, वियतनाम के लोगों के साथ हुआ था, वो कहानियाँ आज भी कहीं ना कहीं दबी हुई हैं, उसके बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता है। तो दोस्तों अगर आप जर्मन वाली कहानी को मैंने आपको बता दी, अगर आप जापानीज़ वाली कहानी भी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।